मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे जीवाणु का आर्थिक महत्व, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि कृषि में किस प्रकार जीवाणु जो हैं लाभदायक होते हैं, फिर डेयरी उद्योग में किस प्रकार जीवाणु जो हैं लाभदायक होते हैं, ना कई सारे पहलुओं पे चर्चा हम लोगों ने की। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जीवाणुओं का आर्थिक महत्व पे ही। तो मृत पौधे तथा जंतुओं का सड़ना, ठीक है। तो बच्चों पहला है मृत पौधों तथा जंतुओं का सड़ना, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं मृत पौधों तथा जंतुओं का सड़ना। तो हमें मालूम है कि हमारे समाज में कई प्रकार के पशु पक्षी ना होते हैं जो कि जिनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो जैसे कि इंसानों की जब डेथ होती है या कुछ डेथ होती है इंसानों की, तो उनका क्या होता है, अंतिम संस्कार होता है। उनकी लाश को या तो जला दिया जाता है या तो भूमि में दफन कर दिया जाता है। पर जो एनिमल होते हैं या जीव जंतु होते हैं, उनको इस तरीके की कोई प्रक्रिया उनमें नहीं होती है कि उनको दफनाया जाए या उनको जलाया जाए, ठीक है। या कुछ लोग होते हैं जो अपने खुद के पाले हुए पशु पक्षियों को दफनाते हैं, पर ज़्यादातर जो है लावारिस पशु पक्षियाँ जो होती हैं वो जब उनकी डेथ होती है तो वो मतलब खुले स्थान पे ही पड़े रहते हैं ना। तो इसमें क्या है, जीवाणुओं का कार्य क्या है कि जीवाणु क्या करते हैं, मृत पौधों तथा जंतुओं को सड़ाने का कार्य जो है करते हैं। तो कुछ जीवाणु पौधे व मृत शरीर का अपघटन करके उनके शरीर में उपस्थित जटिल यौगिकों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं, ठीक है। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो मृत पौधों तथा जंतुओं को सड़ाकर उनके जटिल यौगिक को सरल यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जीवाणु हम लोगों के लिए लाभदायक होते हैं, क्योंकि हम मनुष्यों का तो अंतिम संस्कार या हमारी लाश का दफन, ठीक है, या उनको अग्नि दी जाती है, पर जो लावारिस पशु पक्षी हैं उनमें ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। तो उनके शरीर का अपघटन करने के लिए कुछ जीवाणु होते हैं जो सहायक होते हैं। तो हम लोगों ने जाना मृत पौधे तथा जंतुओं का सड़ना किस पे निर्भर करता है, तो जीवाणुओं पर निर्भर करता है। अब सल्फर जीवाणु क्या है, नेक्स्ट है तो नेक्स्ट है सल्फर जीवाणु। तो हमें मालूम है कि भूमि में रहने वाले कुछ जीवाणु सल्फर को सल्फेट में बदल देते हैं तथा पौधे इन सल्फेट को सल्फेट लवण के रूप में ग्रहण करते हैं। तो
हमने जाना कि भूमि में रहने वाले कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो सल्फर को क्या करते हैं, सल्फेट में बदल देते हैं और पौधे उनको अच्छी तरीके से सल्फेट को सल्फेट लवण के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो इससे हम लोगों ने जाना कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनका कार्य क्या होता है, उनका कार्य होता है भूमि की उर्वरकता को बढ़ाना ना। तो इसी प्रकार जीवाणु क्या करते हैं, सल्फर को सल्फेट में बदल देते हैं जिससे कि पौधे क्या करते हैं, इनको आसानी से इनको अवशोषित कर लेते हैं और इनको ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, अब डेयरी उद्योग के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि डेयरी उद्योग में किस प्रकार जीवाणु जो हैं सहायक होते हैं। तो हमने उसमें बताया था कि स्ट्रेप्टोकोकस लैटिक्स एवं लैक्टोबैसिलस लैटिक्स नामक जीवाणु होते हैं जो दूध में पाई जाने वाली केसिन प्रोटीन को परिवर्तित कर देते हैं जिससे कि दूध जो है दही में परिवर्तित हो जाता है। फिर इसके और भी पहलुओं पे हमने चर्चा की थी, जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र में अगर देखा जाए या उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जीवाणु जो हैं काफ़ी हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे सिरका उद्योग में ना, तो इसमें हमने बताया था कि सिरके का निर्माण जो है सिरका घोल से एस्टोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु द्वारा होता है। हमने बताया कि एसिटोबैक्टर नामक जो जीवाणु होता है उसके द्वारा ही सिरके का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमने बताया था कि सिरके का जो निर्माण है वो एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु द्वारा होता है। ठीक बच्चों, फिर अब अल्कोहल में क्या इनकी भूमिका है, तो अल्कोहल में बच्चों एक जीवाणु होता है जिसका नाम है क्लास्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइल ब्यूटाइल, जो कि क्या करता है अल्कोहल का निर्माण करने में ये बैक्टीरिया जो है सहायक होता है। फिर तंबाकू में सुगंध या स्वादिष्ट बनाने के लिए भी जीवाणुओं का ही इस्तेमाल होता है, तो उस जीवाणु का जो नाम है वो बैसिलस मेगाथेरियम है जो तंबाकू में स्वाद और सुगंध उत्पन्न कराने में सहायक होता है। और हमने बताया कि अल्कोहल निर्माण में है क्लास्ट्रीडियम नामक जो जीवाणु होता है उसका इस्तेमाल होता है। और अल्कोहल में बताया फिर हमने बताया कि तंबाकू में तो बैसिलस मेगाथीरियम, ठीक बच्चों, बैसिलस मेगाथीरियम जो है तंबाकू में जो सुगंध व स्वाद के लिए बैसिलस मेगाथेरियम नामक जीवाणु का हम लोग उपयोग करते हैं जिससे कि तंबाकू स्वादिष्ट और ऊर्जावर्धक लगती है। ठीक बच्चों, तो हमने पहला जो है सिरका में पढ़ा तो एस्टोबैक्टर नामक जीवाणु के बारे में बताया कि सहायक होता है अल्कोहल में, क्लास्ट्रीडियम नामक जीवाणु के बारे में बताया, फिर तंबाकू उद्योग में जो है बैसिलस मेगाथेरियम
नामक जीवाणु सहायक होता है। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, चाय उद्योग में इन टी इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो उसमें होता है एक माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक जीवाणु होता है जो कि चाय की पत्तियों को स्वादिष्ट और सुगंधित बनाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि जीवाणु हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, या एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं हम लोग कि कृषि में किस प्रकार सहायक है मृत पौधों के सड़ने तथा सल्फर जीवाणु, डेयरी उद्योग, सिरका उद्योग, अल्कोहल उद्योग, तंबाकू उद्योग, चाय उद्योग के बारे में हम लोगों ने बात की है। एक बार शास्त्रीय निगाहों से देख लेते हैं। तो हमने बताया था कि कृषि में किस प्रकार सहायक है, तो उसमें बताया था कि नाइट्रोजन का जो है सिंपल तरीके से पौधे जो है वायुमंडल से इसे ग्रहण नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसको नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को स्वतः ग्रहण नहीं कर पाते हैं, वो उसको उसके चेंज वाले फॉर्म दूसरे फॉर्म में नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर हमने बताया था कि पौधे तथा जंतुओं का सहना, तो उसमें बताया कि संसार में व्याप्त कई प्रकार के जीव जंतु होते हैं जो कि स्वतः ही उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके सड़ने में काफ़ी सारे बैक्टीरिया जो है वो सहायक होते हैं। फिर सल्फर जीवाणु के बारे में हमने बताया कि भूमि में रहने वाले कुछ जीवाणु सल्फर को सल्फेट में बदल देते हैं तथा इनको पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं सल्फेट लवण के रूप में। फिर डेयरी उद्योग के बारे में बहुत बार बता चुके हैं, अब आगे देखते हैं। सिरका उद्योग के बारे में, इसमें भी हमने बताया कि एस्टोबैक्टर नामक एक जीवाणु होता है जो कि सिरका उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है। फिर बताया हमने कि अल्कोहल, तो अल्कोहल का निर्माण करने में क्लास्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइल नामक जीवाणु द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। फिर तंबाकू उद्योग में हमने बताया कि बैसिलस मेगाथीरियम नामक जीवाणु जो है तंबाकू को स्वादिष्ट बनाने में सहायक होता है। फिर बताया हमने चाय उद्योग में, इसमें हमने बताया कि माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक जीवाणु जो होता है वो चाय की पत्तियों को स्वादिष्ट बनाता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।